हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन आवर चैनल फिजिक्स या मैजिक। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पर मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए किसी इक्वेशन में आने वाले कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाएगा वो आपको बताऊँगा मैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेलासिटी ऑफ अ पार्टिकल वी डिपेंड्स ऑन टाइम टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस, फाइंड डायमेंशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए कामा बी कामा सी एंड डी। अब जैसे कि इक्वेशन कहाँ से बना है, कैसे बना है, क्या है, इसी देख के हमें लग रहा हो शायद हमने पढ़ा हो, इन सब चीज़ों से हमसे कोई मतलब नहीं है। इस इक्वेशन में जो टी है वो टाइम है, वी वेलोसिटी है, ए बी सी और डी कॉन्स्टेंट है और उनको डायमेंशन फार्मूले हमें कैलकुलेट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ सोल्यूशन इतना मैंने लिख रखा था जिससे कि टाइम ज़्यादा लगे। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी। इसे थोड़ा ब्रैकेट में ताकि अलग दिखे, ए t है और ए प्लस है। अब जैसे कि यहां पे a, b, c और d का हमें डायमेंशन फार्मूला बनाना है, बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाता हूं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्लास पास के आसपास ले चलता हूँ। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, शायद वो बिलो मतलब क्लास जो है फाइव के नीचे का ही रहा होगा। जैसे हम छोटी क्लासेस में थे तो हमको बोला जाता था कि 5 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर को ऐड करिए। तो जब ये क्वेश्चन हमको दिया जाता था तो हमारा पहला अटेम्प्ट यही होता था कि हम या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे 5 मीटर को हम लिख देंगे 500 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लिखा है, तो अब इसे हम लिख सकते हैं 510 सेंटीमीटर। या फिर जैसे अगर हमको दे दिया जाए 3 आवर एंड प्लस 30 मिनट, इसको हमें ऐड करना है, तो या तो हम मिनट को हावर में चेंज करें या हावर में मिनट को चेंज करें। तो जैसे अगर 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो 180 मिनट आ जाएंगे, अब प्लस ये 30 मिनट है तो पूरा हो जाएगा आपका 210 मिनट। तो आप देखें, इतना हम बहुत छोटी क्लास से जानते हैं कि दो टर्म तभी जुड़ सकते हैं जब उनकी यूनिट्स सेम होती हैं, तब बिना उनकी यूनिट सेम किए हम उन्हें जोड़ ही नहीं सकते। जैसे हम मीटर और सेंटीमीटर को नहीं जोड़ पा रहे थे, हमने पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते। तो इतना तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दो टर्म तभी जुड़ेंगे या घटेंगे, मतलब उनका जोड़ और घटाना तभी हो पाएगा जब उनके यूनिट सेम होंगे तब, और जो रिजल्ट आएगा उसका भी यूनिट उतना ही होगा। जैसे कि यहाँ पर ये भी मिनट, ये भी मिनट, जो रिजल्ट आया वो मिनट। इसी छोटी सी बात का हम इस्तेमाल करके हम अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, अभी उसे हटा देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे एक टर्म में है, एक टर्म में है, एक पूरा टर्म में है, इन तीनों टर्म को ऐड किया गया है। इट इज़ ओनली पॉसिबल कि इनकी यूनिट्स या डायमेंशन सेम हों, मतलब यूनिट को हम डायमेंशन बोलना चालू किया है। अगर ये तीनों टर्म जुड़ रहे हैं, इनका सम हो रहा है, देन इट इज़ ओनली पॉसिबल कि इनके डायमेंशन सेम हों, जो रिजल्ट वी आ रहा है उसका भी डायमेंशन उतना होना चाहिए। इसका मतलब जो डायमेंशन ए का है वही डायमेंशन बी इनटू टी का है, वही डायमेंशन इस पूरे टर्म का है और वही डायमेंशन वी का है। तो इस बात को अब देखिए, अब ये क्वेश्चन एकदम से आसान हो गया। जैसे अगर हम देखें तो यहां पे अगर हम डायमेंशन ऑफ वी कैलकुलेट, डायमेंशन ऑफ, पहले हम डायमेंशन ऑफ ए हम इसको पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी, वी वेलोसिटी है, हमको क्वेश्चन में बोला गया है, तो वी क्या, इसकी हम इसका डायमेंशन जानते हैं कि एल टी पावर -1 होता है, एल टी पावर -1। सेकेंड है आपका, जैसे डायमेंशन है आपका, डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी, पूरा टर्म लेंगे, डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। नियम के अनुसार इसका, इसकी बीमा या डायमेंशन इसके बराबर होगा,
लेकिन हमको टी की तो पहले से मालूम है, हमको बी की कैलकुलेट करनी है, तो हम टी को नीचे ले जाएंगे, लेकिन टी नीचे नहीं जाएगा, टी का डायमेंशन नीचे जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, हमारी जो अगली लाइन होगी यहां पे हम लिखेंगे ऐसे कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टी। बड़े आसानी से जब टी नीचे आया तो टी नीचे नहीं आएगा, डायमेंशन ऑफ टी नीचे आएगा, हम डायमेंशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब डायमेंशन ऑफ कहां पे है, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू, जैसे यहां पे डायमेंशन ऑफ वी है, तो डायमेंशन ऑफ वी मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी पावर माइनस वन, एंड टी टाइम है, टी का डायमेंशन होता है टी, तो टी पावर ऊपर जाएगी माइनस वन, तो टी एल टी पावर माइनस टू। तो इस तरह से बी का डायमेंशन निकल आया। अब हम सी या डी का पहले किसका निकाल लें, तो पहले हम डी का कैलकुलेट करेंगे। रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पे डी और टी का सम हो रहा है, और डी और टी का सम तभी पॉसिबल है जब डी और टी के डायमेंशन सेम होंगे तब। तो इस तरह से थर्ड वन, डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, तो टी का डायमेंशन टी आ गया। अब जैसे कि हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, अब हम पहले डी का निकाल के तब सी का निकालेंगे। अब डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी, मतलब पूरे का डायमेंशन वी के डायमेंशन के इक्वल है, तो डायमेंशन ऑफ वी। अब डायमेंशन ऑफ सी आपको कैलकुलेट करना है तो डी प्लस टी ऊपर ले जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया डी प्लस टी ऊपर नहीं जाएगा, डी प्लस टी का डायमेंशन ऊपर जाएगा, डी प्लस टी ऊपर जाएगा अपने डायमेंशन के साथ। तो डायमेंशन ऑफ वी जो है आपका दैट इज एल टी पावर माइनस वन। अब डायमेंशन आपका जो डी प्लस टी है, इसका डायमेंशन जो है डी प्लस टी का डायमेंशन जो, अरे जो डी का होगा वही टी का होगा, वही डी प्लस टी का होगा, तो इसका आप निकाले हैं कि जो डी का आया है वो टी आया है, तो डी प्लस टी का भी टी आएगा। अब टी पावर माइनस वन टी पावर वन इसको नीचे लाएंगे तो वन अपॉन टी होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल गेट एल। तो इस तरह से हमने ए का डायमेंशन एल टी पावर माइनस वन कैलकुलेट किया, बी का डायमेंशन हमें मिला है एल टी एल टी पावर माइनस टू, और सी का डायमेंशन आपको मिला है एल। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन में, अब मतलब जो कांस्टेंट दिए गए थे हमें नहीं मालूम है कि वो क्या है, लेकिन हमने उनके डायमेंशन फार्मूला निकाला। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू हमारा का, देखिए जैसे कि हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में जानते हैं कि जो अगर दो मास होते हैं m1 into m2 upon r square, जैसे दो मास है, इसे मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, ऐसे मैं शॉर्ट बता रहा हूं, जैसे दो मास हैं m1 और m2, इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज r, तो अगर इनके इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो है f, तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया हुआ है। इस समय जब हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हमको न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के कॉन्सेप्ट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हमको इस फार्मूले में इतना मालूम है कि एफ फोर्स है, एम वन एम टू मास है, और आर हमारा डिस्टेंस है, देन वी हैव टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी। मतलब यहां पर जो एफ है ए फोर्स है, एम वन एंड एम टू ये मास है आपके, वैसे अंडरस्टूड है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, एम वन एम टू मास मतलब क्वेश्चन में गिवन है, मेरे लैंग्वेज लिखा नहीं है बस। अब हम सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे यहां पे हम देखें गिवन फार्मूला है आपका एफ जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट
जी इज इक्वल टू, जैसे हमें जी का, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, हमें जी का डायमेंशन फार्मूला बनाना है, तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपान यम वन इंटू यम टू। उसके बाद देखते हैं अब, तो यहां से फार्मूला जब बन गया जी का, अब लिखेंगे हम डायमेंशन ऑफ जी। तो यफ जो है आपका, यफ न्यू फोर्स है, अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है यम एल टी पावर माइनस टू, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, सबको लगभग मालूम भी होती है। आर एक लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल होता है, उसका स्क्वायर लगा है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। यम वन आपका मास है, मास का डायमेंशन यम, और यम टू भी मास है, उसका भी डायमेंशन यम। तो यहाँ पर एक यम से एक यम कैंसिल हो जाएगा आपका, एक यम ऊपर जाएगा तो यम पावर माइनस वन यल क्यूब एंड टी पावर यल क्यूब हो गया, टी पावर माइनस थ्री। तो इस तरह से हमने एक कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हमने बनाया। तो इस तरह से अलग अलग इक्वेशन में हमें अगर किसी एक का डायमेंशन फार्मूला पूछा है तो बाकी के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि उनकी यूनिट क्या होती है, बस उनकी डिफिनीशन से मतलब नहीं है, उनकी यूनिट क्या है, उनका डायमेंशन क्या है। अगर हमें इतना मालूम हो तो हम उसमें अननोन कांस्टेंट के डायमेंशन फार्मूले निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद। एक बात आपको बता दें कि अपने अगले वीडियो में आपको, जैसे कोई इक्वेशन गलत है तो डायमेंशनल एनालिसिस की बेस पर हम चेक करेंगे कि वो गलत है कि सही है, और सही इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।